मैं इस वक्त डिप्टी कमिश्नर मौजूद हूँ। यहाँ ईवीएम मशीन की ट्रेनिंग दी जा रही है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है ताकि जब भी हमें पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे उससे पहले यहाँ पूरे भारतवर्ष के साथ साथ जम्मू कश्मीर यूटी के ज़िला किश्तवाड़ में भी इस अवेयरनेस कैंप को लोगों के सामने लाया जाए ताकि लोग अवेयर हो जाएं। तो साथ में हम दिखाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ ईवीएम मशीन रखी गई है, लोगों को बताया जा रहा है कि किस तरीके से वोट कास्ट करने, किस बटन पे कितने नंबर होंगे और जो भी बंदा जो होगा वोट कास्ट करेगा किस नंबर पर वो बटन दबाएगा उसको अपनी मर्जी है, कि लेकिन उसको सिर्फ याद होना चाहिए कि भाई किस नंबर पे क्या आगे किस चुनाव है। लेकिन अब ये देखना है कि लोग कहते ना, क्योंकि किश्तवाड़ ज़िला हेडक्वार्टर पे ये इस वक्त डेमो दिया जा रहा है, लोगों को अवेयर किया जाए। अब हमें चाहे कि इनका ताउन करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस कैंप में शमूलियत करनी ताकि लोग अवेयर हों, क्योंकि उस टाइम जब इलेक्शन होते हैं उस टाइम लोगों में काफ़ी शोर शराबा भी रहता है कि हमें बटन में ख़राबी दिख रही है, मशीन में ख़राबी दिख रही है। लेकिन ऐसे ही यहां प्रिपरेशन की जा रही है डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ डॉक्टर दवाश यादव की हिदायत पर, ये जो यहां ईवीएम मशीन इलेक्शन के लिए जो तैयार करवा रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। तो इन्हीं के ज़रिए हम पूछना चाहते जो जैसे निशान लगेगा आपको जो पर्ची मिलेगी, प्रेजाइडिंग ऑफिसर यहाँ पर दबाएगा बैलेट। अब ये रेडी हो गया, आप दबाओ कोई भी बटन दबाओ, दबाओ कोई भी बटन, दबाओ कोई बटन। हाँ, अब देखो ध्यान देखो, आप यहाँ पे आ गया ना ये पर्ची, ये 7 सेकंड रही, 7 सेकंड के बाद ये नीचे गिर जाएगी। चलो गिर गई, नेक्स्ट। हाँ ये देखो, आप आवाज आ गई ना, बीप की आवाज आ गई, आपका वोट कास्ट हो गया। अभी जो है जो प्रेजाइडिंग अफसर होगा या पोलिंग अफसर वो इसको दबाएगा बैलेट को, यहाँ पर ये देखो ये ग्रीन लाइट आएगी, दैट मींस कि रेडी हो गया। आप दबा दो, आप अपना एक ये, हाँ अब देखो यहाँ पर क्या वही आया नहीं आया, एक पर्ची आई यहाँ पे, ये 7 सेकंड रहेगी, 7 सेकंड के बाद ये गिर जाएगी ड्रॉप बॉक्स में और एक बीप की आवाज आएगी, दैट मींस आपका देखो आप आई ना एक लंबी आवाज, आपका वोट कास्ट हो गया। हाँ इसमें देखो, इसमें अभी हमने कोई कैंडिडेट का नाम सेट नहीं किए क्योंकि हम अगर करेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगी। आप याद रख सकते हो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। अब जैसे ए को दबा दो आप, आपने देखना है कि ये वाली लाइट जलनी चाहिए, दबा दो ए को, बी को दबाएंगे, बी को दबा दो। आप देखो यहाँ पर बी आएगा, आया ना बी, आप चेक कर सकते हो बी आ गया। इसका टाइम कैंडिडेट का नाम हमने सेट नहीं किया, टाइम गलत देगा या डेट गलत देगा ये कुछ नहीं है, दूसरा बैलेट बॉक्स जो है इसके साथ जोड़ना है, लेकिन एक बैलेट बॉक्स में 16 कैंडिडेट आएंगे। बैटरी जो है इसकी है 99% वीवीपैट, चार्ज है, इसको क्या बोलते हैं वीवीपैट। जैसे ही आप अपना वोट कास्ट करोगे आपकी पर्ची जो 7 सेकंड तक यहाँ पर रहेगी जिस कैंडिडेट को आपने दिया वोट, और उसके बाद 7 सेकंड के बाद वो इसी ड्रॉप बॉक्स में गिर जाएगी, आपको नहीं मिलेगी, वो इसी ड्रॉप बॉक्स में एज ए रिकॉर्ड रहेगी। हाँ हाँ अभी ये प्रोसेस चक्कर है। हाँ देखो आपने बी वाले को दबाया, यहाँ पर थोड़ा बी आ गया नहीं आ गया, 7 सेकंड तक रहेगा, फिर उसके बाद एक लंबी ये ड्रॉप बॉक्स में गिर जाएगा, एक लंबी आवाज आएगी, दैट मींस आपका वोट पड़ गया। वोटर वोटर में आपको एक बात बताऊंगा, जब भी आप जाओगे पहले इसको देखना ये रेडी है नहीं, अभी ना है, अगर नहीं है तो आप बोल सकते हो भाई ये रेडी नहीं है मशीन, फिर यहाँ पर पोलिंग अफसर या प्रेजाइडिंग अफसर बटन दबाएगा, ये ग्रीन लाइट आ गई, ये रेडी हो गया, अब आप कास्ट करो। आपने ए पे किया, यहाँ देखो देखो यहाँ पे ए है, हाँ जी सर ये आ गया, ये 7 सेकंड तक रहेगा। मैंने एक को वोट दिया, एक को कि जो कैंडिडेट होगा ना उसी कैंडिडेट का नाम है लिस्ट में भी आएगा, ए बी सी डी है, जब इसको सेट होगा तो फिर एज ए कैंडिडेट आ जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि जिसको अपने वोट डाला वही पर्ची उसी के नाम की पर्ची के लिए आएगा। ठीक है, और कोई कर आप, अच्छा इसको यहाँ देखो, यहाँ आप वहाँ नहीं देखो, आप यहाँ पर देखो, ये आया बड़ा, जैसे ही आप वोट कास्ट करोगे ना भाई जी,
वहाँ से जाकर इसको देखना है आपको, तभी तो ये वीवीपैट रखा है। नहीं पड़ा वीवीपैट नहीं था, अब इसलिए रखा है। लोग मैं सुनने में थे कि जो ये मशीनों में जी खराबी कर देते हैं, कैसे होगी खराबी, वही तो हम आपको बता रहे हैं। ये जो सर मशीन है ना, ये किसी भी सिस्टम के साथ नहीं, एक बटन दबाया यही आया ना। लोगों को बोलना होता है कि नहीं सर, वो वही तो उसी के लिए हमने अपनी मर्जी से बटन दबाया, उसी के लिए ये कैंप लग रहे हैं कि लोगों में जो ये दूर हो जाए, दूर ये गलत फहमी है वो दूर करने के लिए, दूर करने के लिए हमने ये कैंप लगाया है। कब सुनते हैं ना लोगों से, क्या मशीन नहीं खराब, सुनने पे यकीन नहीं करना है आपको, देखो आप प्रैक्टिकली देखो, सुनने पे यकीन नहीं करना है। जीतने वाली पार्टी बोलती है मशीन ठीक है, हारने वाली ने बोला है, कुछ लोग बोलते हैं आपका नाम कौन, किससे किससे अल्फाबेट से शुरू होता है, ए दबा ए, अब आया नहीं यहाँ पे, कौन सा आया, स्मॉल ए आया ना, स्मॉल ए आया, तो ए को दबाया तो ए ही आया, बी नहीं आया। अब इस दूसरे बच्चे को मौका दो, रुको रुको तेरा रुको तेरा, हाँ अब देखो आवाज आ गई ना, खुद ही आई है, चलो थोड़ा चेंज कीजिए, किसी और बटन को दबाइए, और बटन को दबाए ना, और लास्ट वाला कुछ आप ये शुरू है, ये ना ये कौन से, अब आप गिनो गिनो कौन से, बी सी डी ई एफ जी एच, एच पे देखिए, इधर सात सेकंड आपका रहेगा, इधर एच तक आ गया, आया है ये, एच आया, स्मॉल एट पे आया ना, एट भी साथ में डिजिट नंबर भी एट भी आ गया, देखो दरअसल ये दरअसल एच नहीं, अल्फा बीटा, ये अल्फा बीटा गामा वो है, आप दो मत से आ रही है, आप दो आप एक को देखो, एक से 16 तक कुछ भी दबाओ, 5 6 16 है ना, ये कौन सा बटन नंबर, यहां से करो ना आप, याद रखो कौन से नंबर पे दबाया मैंने, आपने किसको वोट दिया वो भी आप, कौन से नंबर दबाया, 5 पे 5 पे देखो सर, इधर आया आप देखो, 5 है यहां पर, 5 है, ये दूसरी लैंग्वेज ही है, मल्टीपल टाइम डाल सकते हैं, नंबर आपने वोट दबाया, हां 7 को 6 7 7 आया ना, अभी रेडी नहीं ना है, अभी आप करो, आप दबाओ नंबर था याद, आप देखो ये ग्रीन लाइट आई ना, बस आप देखो यहाँ पे सर, 11 है ना, बस कंफर्म है कि आपने जिसको वोट डाला उसी को पड़ा, जुल्फिकार सर कैसा लगा आपको, हम्बल लगा है, हाँ जी हाँ जी, हमने यहाँ प्रेस किया बटन जी सर, आगे हमें पता है ये कहाँ, हाँ हाँ यहाँ पर दिखेगा ना, यहाँ पर दिखेगा, वन मिनट यहाँ शो हो जाए कि मैंने बटन किस पे दबाया, हाँ हाँ वो यहाँ हो, हाँ फिर यहाँ से आउट हो जाए, नहीं नहीं वो इसी में गिरेगा, उधर ही गिरेगा, वो रिकॉर्ड रहेगा, होगा कि ट्रेस हो गया किस पे मैंने, हाँ 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 वो कंफर्म है, वो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड रहेगा, यहाँ पे नाम होगा, यहाँ पे सिंबल होगा, हाँ हाँ सिंबल, यहाँ पे वो 7 सेकंड के लिए, 7 सेकंड के बाद वो गिर जाएगा, जो आपने वोट कास्ट किया वो इसमें रिकॉर्ड रहेगा, आपको 7 सेकंड के लिए वोटर दिखाई देगा, पर्ची नहीं नहीं अभी नहीं नहीं अभी नहीं दिखाना, गौर नहीं थे, ये तो बंद होगा, ये सील होगा, ये सील होगा जब वोटिंग, अभी नहीं अभी तो यहाँ डिस्प्ले उन्होंने देख दिया, सील्ड होता है ना, और ये हम उस दिन लाके सीधे कंट्रोल रूम में जमा करते हैं, हाँ हाँ ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड रहेगा, जब भी कहोगे किसी को कुछ है तो सील्ड होता है सर, और ये प्राइवेट मैटर होता है ना, किसी को वोट डालना, तो ये पर्ची इसमें पड़ेगी, थाना मोरू का सिस्टम वो तो हमने चलाया, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, मोर वाला था, मैंने स्टैंप लगा दी, क्लियर था, वोट कहाँ गया, जस्ट लाके आज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, जैसे लोगों की कंप्लेंट हमारी तो नहीं है कि हम वोट दबाएं आगे वोट न जाने कहाँ जाता है, नहीं उसी के लिए ये वीवीपैट है ना, इसी प्रकार से हर किसी कोई अवेयरेंस हो जाए कि आपके सामने फोटो आया, आपने जिसका कास्ट वोट किया वो तेरे सामने आ गया, 7 सेकंड के लिए यहाँ पे दिखेगा उसको, कि लोग जो हैं अवेयर हो गए, नहीं मेरा कोर्ट जो है सही मानूंगा, सही माने, बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई इस पे कंप्लेंट न कर पाए आप, मेरा एक और आपसे अर्ज यूं है, हाँ बताइए बताइए, स्टार्ट में करते हो जी, आपने धातु में जाना है, वो जाना है, अपने जानते हैं वो जाना है, जाना है जाना है, वोट कैसे कास्ट करना, देखे सर अभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, लोग अनपढ़ है, अभी एजुकेशन उतनी भी तो है नहीं, आपने धातु में जाकर हर किसी मतलब पंचायत में जाकर एक जगह पे बैठिए, लोगों को अवेयर कीजिए कि आपने इतने वोट कास्ट करना, आपने देखना कि मेरा वोट कास्ट होता है नहीं हुआ, सुनो सुनो
आपने पलमार की बात कर रहे हैं, आपने आपने शुरू हुआ है ना आज हमारा किश्तवाड़ नहीं अभी किश्तवाड़ पे इलेक्शन न जाने का। आपने शायद मेरी बात को गौर से नहीं सुना, मैंने बताया कि अवेयरनेस प्रोग्राम है, अभी तो ये 10 दिन डीसी ऑफिस में रहेगा, उसके बाद एक मोबाइल वैन मिलेगी हमें, जो मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन होगी, फिर हमने फील्ड जो पेरिफेरी से गांव में पंचायतों में वहां जाकर भी हमने ये डेमोन्स्ट्रेशन देनी, इसीलिए है जो आपके आपका जो है वो हमने पहले ही बोल दिया कि हमने उधर जाना है, हमने हर गांव तक पहुंचना है। देखिए जब तक ना लोग जानकारी पाए, हाँ 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 हाँ, क्या किया बराबर बराबर, तो बाद में कहते नहीं वोट हमने दिया था फलाने को, उधर से नीचे से गया कहीं, वो कहां गया? नहीं नहीं, उसी के लिए तो ये सारा तो चल रहा है। और देखिए नहीं कि वो चोरी से होता है, जो लड़का फेल होता है कहते मेरे नंबर काट के, माँ बाप को कहते मेरे नंबर काट के इसको दिए, अरे काटने वाला तो मतलब है ही नहीं, तस्करों से ये दिए। डीसी साहब ने जो शुरू कराया है ना सर, ये ओपन चैलेंज है हर बंदे के लिए, आए और हमें प्रूव करके बताए किसमें गलती है, अगर गलती है इसको फाड़ देंगे, फोड़ गलती है ही नहीं इसमें, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, इसको कोई हैक नहीं कर सकता, ये मोबाइल लैपटॉप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से नहीं होती, नहीं होता, नहीं होती, इसीलिए तो हम जा रहे हैं कि लोग अवेयर हो जाएं, और कोई बहुत बता हमें प्रूव करके बताता है। एक से नंबर 16 तक। हाँ रुको रुको, अच्छा रुको जरा रुको, ये बंद ठीक है, ठहरो ठहरो, अच्छा टोटल के लिए दबाया था, ठहरो ठहरो रुको जरा, ये अभी ये चेक कर रहा ना मशीन, कितने कितने हुए, 16 था, 16 अच्छा अच्छा, चलो जैसा ग्रीन 50 का, इधर देखो 6 पे दबाया था आपने, 6 पे अब यहाँ से कट के नीचे सीधे कटेगी, फिर बीप होगी, आवाज आएगी जी ना, जिस तरीके से आपका वीएम इस वक्त डेमो दिया जा रहा है लोगों के लिए, तो क्या मैसेज है, किस तरीके से लोगों को इन इवेंट, क्योंकि आज इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, तो किस तरीके से आपको समझ आए, लोगों को क्या समझाना चाहते हैं सर? ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है ये कोई नया प्रोसेस नहीं है, 2-4 साल से मतलब 2-3 इलेक्शन से चल रहा है, लेकिन अभी नया जो इसमें प्रोसेस शुरू हुआ ये कास्ट वोट करने का जो दिखाई देता है, ये कोई ना चोरी है ना कुछ है, लोग इस वक्त जानते हैं जो एजुकेटेड हैं कि इसमें कोई चोरी नहीं है, ये एक अच्छा सा प्रोसेस है गवर्नमेंट ने किया हुआ कि अपना कास्ट वोट करने के बाद वो दिखाई देता है कि हमारा वोट जो है कास्ट हुआ, और इसमें नहीं है कि नहीं जी चोरी है, इसमें कोई ना चोरी है ना कुछ है, अब कहने वालों ने तो कहना है, लेकिन ये तो स्पष्ट है कि हमारा कोर्स सही मानों में कास्ट हुआ, वो किसको देना चाहता है वो तो उसके अपने ध्यान दो किसको देना चाहता है, लेकिन मेरी तरफ से मेरी इस उम्र में 75 मेरी उम्र है कि ये एक अच्छा रुझान है, गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है बहुत अच्छी पॉलिसी है, ताकि कोई इसमें घबरे ना कि मैंने गलत किया, ये एक अच्छी अवेयरनेस है पब्लिक के लिए भी, और टाइम भी बच जाता है, जल्दी में वोट कास्ट किया और देख लिया कि मेरा वोट कास्ट हुआ और वो चले गए, मैं तो गवर्नमेंट को बधाई देता हूँ जिन्होंने ये अच्छा ऐसा प्रोसेस चलाया है, ताकि लोगों का टाइम भी बच जाए और लोग भी खुश होकर जाएं कि मैंने अपना वोट कास्ट किया सर।